जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना टेक्निकल टिंकू सिंह एक और नई वीडियो में आप सब किसान भाइयों का स्वागत करता हूं। आज वाली वीडियो जो है वो कंस्ट्रक्शन को लेकर है और जो अपने रोडी डस्ट के सप्लायर भाई हैं उनके लिए वीडियो जो है बहुत बढ़िया और इन्फॉर्मेशन वाली है। जिस मेरे भाई को अपने ट्रैक्टर पर लोडर लगवाना हो भाई, जैसे आजकल भाई कंस्ट्रक्शन का काम जोरू पे है, तो मेरे जो किसान भाई हैं मकान दुकान सब कुछ बना रहे, और कुछ मेरे किसान ऐसे भी हैं जो रोडी डस्ट का सप्लाई का काम कर रहे हैं, सीमेंट का, रेत का, बजरी का, डस्ट का, क्योंकि ये आजकल मेन हो गया। हर आदमी अपने मकान को बनाने में, सुंदर बनाने में, नया मकान बनाने में आजकल होड़ लगी हुई है, तो भाई ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अब पहले क्या है, आदमी हाथ से भरते थे या फिर किसी को भाड़े पर बुलाना पड़े, भाई आ जाओ और हमारी दो एक ट्रक भर दो या ट्रॉली भर दो। अब हर एक सप्लायर के पास में एक ऐसा ट्रैक्टर होना चाहिए, ऐसी बकेट के साथ में, लोडर के साथ में लगा हुआ, जिससे वो अपना काम आसानी से किसी भी टाइम कर ले। और ये मल्टीपर्पज हो जाता है, क्या क्या काम करेगा, कितनी कैपेसिटी है, कितने एचपी का इसका ट्रैक्टर पे ये काम करेगी मशीन, वो सारी बात डिटेल में करेंगे। एक बार आप मशीन का ओवरऑल लुक चेक करो कि कैसी फिटमेंट हो रखी और कैसा कलर कॉम्बिनेशन है, आगे की बकेट भी दिखाओ, जैक दिखाओ, और बकेट की कितनी चौड़ाई, कितनी गहराई है, कितने क्विंटल इसमें माल आ जाएगा, सारी बात डिटेल में होगी किसान भाइयों। अब एक बार इधर से देखो, और ये कैसे कैसे इसमें घूमया, कितना इसका वजन है, आ जाओ पीछे आ जाओ, एक बार पहले ओवरऑल लुक चेक करवा रहे हैं हम किसानों को। पीछे की बकेट देख सकते हो, बकेट की हाइट, ट्रैक्टर का नीचे का क्लियरेंस, एक बार अब सामने से ही आ जाओ और डिटेल में बात करेंगे फिर। जो अपने भाई हैं जो इस फैक्ट्री के और जो ये काम करते हैं लोडर का और मशीनरी का, उनको बुलाओगे और उनसे ही पूरी बात डिटेल में पूछेंगे। रविंदर भाई जी एक बार आ जाओ। नमस्कार भाई जी। नमस्कार भाई जी। जो हमारे किसान भाई आपको देख रहे हैं, हाँ जी, उनके लिए दो चार बातें पूछना चाह रहा आपसे जी। जैसा ये ट्रैक्टर है, हाँ जी, ट्रैक्टर कौन सा है ये? ये महिंद्रा 265। कितने एचपी में आवे भाई जी ये? 30-32 एचपी में है। 30-32 एचपी में? हाँ, 265। 265 हाँ, वैसे 30 एचपी का ही मानना जा, 30 का ही मानना जा, 32 कह लो, चलो 30-32 है, इसी रेंज में है ये। जैसे ट्रैक्टर पे आपने मशीन फिट करी, यू लोडर, हाँ जी हाँ, तो जो किसान उस पर ट्रैक्टर पे बैठे उनका ही है ये? हाँ, अब तो उनका ही है, पहले किसी और पर था। अच्छा, ये मैं थोड़ी सी डिटेल बताऊं, ये थोड़ा चलता हुआ है, ये एक साल पहले बने था। नहीं नहीं सुनो भाई जी, हाँ जी, जो आपने मशीन इस पर फिट करी, हाँ जी, नई नहीं करी, सेकंड हैंड करी? हाँ, सेकंड हैंड। तो पहले किस ट्रैक्टर पर थी? ये पहले थी स्वराज 724। 724 पे? हाँ जी। अब आपने उस पर हटा के अपनी फैक्ट्री में रख रखी थी? हाँ जी। तो या उसे किराए पर दे रखी थी, बेच रखी थी, या आपके अपने ट्रैक्टर पर थी? उसी की थी, उसने हमारी फैक्ट्री में उतरवा दी, तब भी उसी की थी। अच्छा, वो बेचने के लिए उसने यहाँ रख दी, कोई ग्राहक होगा हम बेच देंगे, तो इनकी बात होगी, इन्होंने बेच दी, इन्होंने हमारे पे फिट करा ली। लेकिन बनाई किसने थी ये मशीन? ये बनाई भी हमने थी, जो स्वराज 724 का मालिक था। हाँ, उसके ट्रैक्टर पे आपने बना के लगाई थी? हाँ, 7-8 महीने पहले हमने ही बना के लगाई थी। अच्छा, हाँ, उसका क्या रीजन रहा उतारने का? वो जिस प्लॉट में वो काम कर रहे थे उनका वो बिक गया। अच्छा, तो वो कहला यार बस छोड़ो काम, उन्होंने बंद कर दिया। हाँ, तो उनका प्लॉट थी, पैसे चले गए। आपने ही इस मशीन को बनाया था और आपके यही वो छोड़ के कोई ऐसा किसान मिलेगा तो इसे बेच देना, बिकवा दियो। अच्छा, लेकिन इनकी आपस में बात होगी? इनकी ये नजदीकी है, 2 किलोमीटर का फासला है इनके गांव में, इनकी बात होगी। देखो अभी तो हम इसके हिसाब से ही बात करेंगे। हाँ जी। जैसा यू इसने महिंद्रा 265 पर लगवाई है मशीन जी, तो आपने फिटमेंट का कितना खर्चा लिया? हमने फिटमेंट के लिए 20,000 रुपए। 20,000 रुपए? हाँ जी। इसकी सेटिंग करने के? पूरी सेटिंग करने के। तो इसका आपने चेसिस भी फिट करा, पीछे की बकेट वकेट सब कुछ काट पीट के, होल होते है, दूसरे ट्रैक्टर फिटिंग है तो सब, कई दिन लग जा, 5-6 दिन लगे इसमें करने में, तो सारा ही काम हुआ। तो आपने 20,000 रुपए में, हाँ, इसे फिट कर दिया। कब आया था ये ट्रैक्टर? ये 5-6 दिन पहले आया था बस। अच्छा, तो मतलब आप ऐसा काम भी कर दो अगर किसी को करवाना हो? बिल्कुल, छोटी बड़ी मशीन के, गन्ने की मशीन हो या कोई भी हो, फिट करते हम, एक दूसरे ट्रैक्टर पे फिटिंग करते हैं। ठीक, हाँ जी। मतलब किसी को भी अपनी एडजस्टमेंट करवानी हो, किसी को ट्रैक्टर चेंज करना हो, उसे समस्या है, वहां का बदलो, तो करवा सके, वो भी काम हो जाएगा और नए भी फिट हो जाएंगे। नए भी फिट हो जाएगी। अब जैसा यू ट्रैक्टर हैगा, हाँ जी, 32 HP कह लो, हाँ जी हाँ जी, तो इस मशीन को कैपेबल है उसे उठाने में? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ये तो 724 पर थी, वो 2500 हॉर्स पावर का था। अच्छा,
और ये तो ज्यादा हो गया, तीन सिलेंडर हो गया, वो दो सिलेंडर था। इसकी बकेट की कितनी गहराई इसमें है? जो है लगभग 6.5-7 क्विंटल माल आ जा। अच्छा हाँ जी। इसकी चौड़ाई कितनी होगी? चौड़ाई इसकी जो है 5 फुट है। 5 फुट हाँ जी। और 6-7 क्विंटल इसमें माल आ जाए? 7 क्विंटल 6.5 छोटी मशीनों का ये सिस्टम होता है, माल आना चाहिए। कितनी हाइट तक भर देगा सामान ये? आप समझो यदि आप बोगी ऐसे रखोगे तो 12.5 फुट है इसकी। यदि माल को ऐसे घुमा कर डालोगे तो 10-10.5 फुट पर डाल देगा, 10.5 इंची गाड़ी में डाल देगा। जैसे ये दूसरी कंपनी मशीन है, बुल की है, आरएमपी की है, ये मशीन ने बस 6.5-7 फुट माल डाल सके। हमारी उनसे हाइट भी ज्यादा है, हमारी ट्रैक्टर से आगे लंबाई भी ज्यादा है, उनकी ट्रैक्टर जो है जब ट्राली भर है ट्रैक्टर का थोपड़ा ट्राली मट जा। अच्छा, मारी कान लगा, मारी जो है ट्राली में दूसरी तरफ भी माल डाल देगी। ठीक। हाइट ज्यादा होने के कारण, आगे लंबाई होने के कारण। आप एक बार इसे उठा के दिखाओ कितनी हाइट दे सकते हो। ठीक है जी। और फिर नाप के दिखाओ, पहले उठाओ एक बार। अच्छा उठाओ भैया, पूरी लो, अपना फिट्टा लो और लगा इसे, उठाओ। तो आपको इसकी हाइट दिखा रहे हैं नाप के कि कितनी हाइट है, चला जा। ये हाइट है इसकी पूरी मैक्सिमम। दिखाओ 12 फुट और कितने इंच हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इंच। 12 फुट 8 इंच इसकी जो बकेट की हाइट है, 12 फुट 8 इंच। तो एक बार बकेट को डाउन करियो भाई जी, और ये जो ऑपरेटिंग हो रही ना किसान भाई, बिल्कुल स्लो रेस पे है। फुल है, चलो भाई जी। कितनी है भाई जी? 8 फुट 10 इंच है? 8 फुट 10 इंच की हाइट है भाई। लेकिन भाई जी तो डल लेके अंदर आ गया और नपेगी तो वहां से ऊपर उस कोने, पता है? नहीं, इससे नपेगी, माल तो यहीं से डलेगा। जब ये माल मर जाएगा तो माल डलना बंद हो जाएगा। हाँ। तो यही हाइट नपती है। तो 8.5 फुट 10 इंच है, 8.5 ही मान लो। तो 8.5 फुट ऊंचे गाड़ी में, ट्रक में, ट्रॉली में ये माल डाल सकती है। हाँ अच्छा, या इधर आ जाओ इधर। इसकी स्पीड कितनी है मशीन की? इसकी स्पीड मेरे भाई यदि स्लो पर उठाओगे आप 13-14 सेकंड लेगी। हाँ। और 1000 पर उठाओगे लगभग वही 10 सेकंड के आसपास लेगी। 1000 RPM पर 10 सेकंड में, और उससे ऊपर लोगे 1500-1400 फिर ये जो है 6-7 सेकंड में नीचे से ऊपर जाओगी। ठीक, कर लो भाई जी डाउन। टायर से भी दूरी ज्यादा है नहीं हमारी मशीनों के और के मुकाबले। अच्छा अच्छा। और की मशीन में ऐसा होता है जब ट्रैक्टर माल डालता है ट्राली में, तो ट्रैक्टर का बोनट ट्राली में अटका जब माल डालता है। हाँ। तो हमारे में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, मतलब काफी जगह है, जगह इसलिए अपना बढ़ा रखी है, लंबाई बढ़ा रखी। तो आपने खुद ही मॉडिफिकेशन कर लगाई थी? खुद ही मॉडिफिकेशन है भाई। कर लो भैया डाउन, दो बात किसान से कर ले। भाई जी नमस्कार। नमस्कार जी, अपना नाम बताओ। मेरा नाम है जी अरविंद खोकर। अरविंद खोकर जी। भाई का नाम? बदरखा। बदरखा, ये मशीन जो आपने लगवाई ट्रैक्टर पे जी, तो आपको लग रहा था कि बढ़िया काम करेगी या ट्रैक्टर खींच लेगा? हाँ जी बिल्कुल, भाई से बात हुई थी पहले। हाँ। इन्होंने कहा था कि बिल्कुल बढ़िया काम करेगा। तो कब लाए थे ट्रैक्टर? ट्रैक्टर तो यहाँ पे? हाँ। 4 दिन से था। हा? 4 दिन से था। 4 दिन से। हाँ। और तैयार कब हो गया था ये? ये तो कल हो गया था। कल नहीं आए लेन? कल लेन नहीं आए, टाइम नहीं मिल पाया। अच्छा, और जैसा चला के देख रहे ऑपरेट करी जी जी, तो कैसा लग रहा? ठीक लग रहा, बढ़िया बढ़िया सेटिंग है। सैटिस्फाई हो काम? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मतलब जो आपने 20,000 रुपए लगाए बिल्कुल उसकी फिटिंग के? हाँ। वसूल हो गए? बिल्कुल, संतुष्ट हो काम? इसीलिए तो यहाँ आए थे जी। अच्छा, और भाई जी सर्विस का क्या कह रहे हैं, अगर कोई दिक्कत प्रॉब्लम आ गई? ये सर्विस कह रहे हैं कि घर आकर करेंगे भाई, कोई दिक्कत होगी भाई आओगे आप। अच्छा एक बार इसकी फिटमेंट देखो किसान भाइयों, ये यहाँ से इन्होंने इसमें 3 बोल्ट लगा दिए, 3, और फिर एक नीचे इन्होंने यहाँ पे बोल्ट लगा के एक सपोर्ट यहाँ से ले गए, उधर से ले गए, और
ये जो इसका चेचिस बनाया है इन्होंने, ये यहाँ से गया पीछे और यहाँ आके इसमें देखो आप, यहाँ पे इस पर बकेट टिक गई, चेचिस को पीछे से हाइट ज्यादा दे दी, यहाँ से घुमाओ देखे ऊपर हाइट ज्यादा दे दी इसे, और जो चेचिस यहाँ पे इसे उन्होंने खेचा ट्यूब में बोल्टो के साथ में ब्रैकेट बना के, तो देख सकते हो किस तरीके से इन्होंने ब्रैकेट बना रखा और ब्रैकेट बना के और इसे हब में अच्छा। किसान भाइयों देख सकते हो, दिख नहीं रहा होगा वैसे, मतलब कहने की बात यह है कि फिटिंग बहुत बढ़िया आ रही, मजबूत फिटिंग दी और देखो इधर से भी बोल्ट लगे हुए हैं, काम जो है फिटिंग के हिसाब से मजबूती के हिसाब से काम बहुत बढ़िया और जेन्युइन काम हुआ बिल्कुल कंपनी फिटिंग के साथ में। एक बार भाई से दो बात और पूछेंगे, भाई जी एक मिनट आ जाओ, जैसे है मशीन लगाई, हाँ जी, इस मशीन का वजन कितना है? इसका लगभग 8-8.5 क्विंटल के आसपास, तोले तो है नहीं, अच्छा। अंदाजा करे इतना होगा, हाँ। अगर नहीं बनाते तब तो आपको एक्यूरेट वजन पता रहता? नहीं तब पता हो, जब ट्रैक्टर तू लगावे, अच्छा अच्छा, तो फिर मशीन का वेट हो जा, सभी ट्रैक्टर ऐसे मशीन लगा ले, हम भी अंदाजा करके लगा ले बस थोड़ा। अब तो ये तो कर दिया आपने किसान के पे फिटमेंट, हाँ जी। अगर कोई ऐसी नई मशीन लगवावे अपने ट्रैक्टर पे तो उसकी कीमत कितनी है? 2.25 लाख रुपए। 2.25 लाख, हाँ, बाकी उससे ऊपर भी है, उससे ऊपर भी है, उससे ऊपर भी है, अलग अलग है। सुनो जैसे यहाँ एक नॉर्मल मशीन है, नॉर्मल मशीन जो है वही 2.25 लाख रुपए है। यह कैसी है, नॉर्मल या बीच की? ये नॉर्मल ही है, नॉर्मल मशीन, हाँ। आईसर पे तो थोड़ी हल्की लग जाए, 160 फुट में लग जाए वो, अच्छा। आईसर वाली, बाकी जो इससे बड़े ट्रैक्टर पर लगे फिर वो 2.5 लाख 3 लाख फिर तो बढ़ती चली जाए, कैपेसिटी भी तो ज्यादा हो जाती होगी, हाँ, कैपेसिटी बढ़ जाती है, मशीन की बॉकेट बड़ा हो जाए उसका, हाँ। सारी का वेट बढ़ जाए मशीन का, तो यूज या जो मशीन लगी हुई है ये 2.25 लाख में लगी थी, 2.25 लाख में, हाँ। अब कितने में लगेगी? 2.25 में, अच्छा। और या एक मिडिल काम करने के लिए एक और खासियत है, जितनी भी कंपनी ये पिनर पुश लगा रही सब 30 mm के लगावे, हाँ। बुल्की हो आरजेमटी हो, ये बड़ी कंपनी है मान लिया, हाँ। ये 30 mm की पिन लगावे, हाँ। हम 40 की लगा रहे और बुश बिन तो हैवी लगा रहे, हमारे ये है 40 mm की रोड में है, हाँ। वे यहाँ 36 का लगावे, यहाँ 30 mm की रोड का जैक लगा दे, क्योंकि उनका नाम भी क्या हुआ है, तो इसमें सब फर्क है, पिन बुश सारे हमारे, सारे पिन बुश हैवी है, हर चीज हैवी है, मतलब सारे बुश हैवी है, हाँ जी बिल्कुल। और ये 40 mm का जैक है, हाँ जी, यहाँ डबल सपोर्ट है, हाँ। ये कभी जीवन में ना ढीली हो सकती ना टूट सकती, कुछ कंपनियां यहाँ से जो है बोल्ट का जुगाड़ दे फिर नो हलती रहे, तो ये इतनी बढ़िया फिटिंग है, ऐसा कभी आप इस मशीन में दिक्कत आवे तो कौन सी दिक्कत आ सकती है? दिक्कत तो प्रेशर तो नहीं रोकू जानी नहीं, अच्छा। जब भी आओगी प्रेशर की आओगी, ट्रैक्टर आप पंप डाउन हो जाओ या डिस्ट्रीब्यूटर डाउन हो जाओ और कोई दिक्कत नहीं आनी, छोटी मशीन में आती नहीं, ट्रैक्टर को कोई नुकसान हो मशीन लगवाने तक? कोई नुकसान नहीं, नॉर्मल वही चीज है, फ्री माइंड से लगा ट्रैक्टर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा, तो एक बार किसानों को अपना मोबाइल नंबर बता दो, जिसे नहीं लगवानी होगी नहीं और किसी को अपना कोई काम करवाना होगा तो उसके लिए संपर्क कर ले। मेरा नंबर है भाई 7456-87-40। तो यू रविंदर भाई का नंबर है या इनकी वर्कशॉप है, एक बार वर्कशॉप देख लो एक बार। नॉर्मली ये बकेट वगैरह देखो यहाँ भी रखी है कुछ, जो इन्होंने पहले की बनाई होगी कुछ अपने ट्रैक्टरों पे, और गन्ने भरने के लोडर भी ये बनाते हैं, देखो ये गन्ने भरने का लोडर इस पर लगा हुआ है ट्रैक्टर पे, ये बिकाऊ है क्या भाई? ये भी बिकाऊ है, जॉन डियर ट्रैक्टर पे लगा हुआ है, गन्ने भरने का लोडर है और बिकाऊ है भाई, एक बार इसकी भी बताओ। अब लगे आज जब हम वीडियो बना ही रहे तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, मैं कह रहा था जॉन डियर ट्रैक्टर है, कितने एचपी का आयु? ये 55 का है जी। अच्छा, इस पर लोडर लग रहा है गन्ना भरने वाला, हाँ जी हाँ। तो अगर कोई किसान संपर्क करना चाहे तो बिकाऊ है ये? हाँ, ये बिकने के लिए खड़ा है 1.5 साल से यहाँ। अच्छा, ये 6-7 साल पहले मशीन बनी थी, हमारे यहीं बनी थी। अच्छा, किसी का है किसान का? हाँ, ये किसान का ही है, हाँ। और ये 1.5 साल तक खड़ा भी यहाँ बिकने के लिए ही है। ठीक ठीक ठीक, तो चलो इसकी एक डिटेल वीडियो अलग तो बनाऊंगे बिक्री वाली, हाँ जी हाँ, है ना। फिलहाल तो इन्फॉर्मेशन दे दी, हाँ जी। तो किसान भाइयों उम्मीद करते हैं जो जानकारी हमने आपसे साथ जग रही उससे आप संतुष्ट हुए होंगे, किसान अपना ट्रैक्टर लेकर निकल चुका है जाने के लिए। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।